दोस्तों आज हम आप लोग को मॉर्फो इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। जो मॉर्फो किसान रजिस्ट्रेशन पेनियर बाय अपना आधार में एक साथ कैसे काम करता है, हम उसको किस टाइप से इंस्टॉल करेंगे हम उसके बारे में जानेंगे यूट्यूब के माध्यम से। हमारा पता है वाइटेक कंप्यूटर रिफ्यूजी कॉलोनी SM कॉम्प्लेक्स सहरसा। मोबाइल नंबर 9570506222। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे सिस्टम में मॉर्फो इंस्टॉल है पहले से तो हम उसे कंट्रोल पैनल में जाकर के इंस्टॉल कर देंगे। पहले जो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है मॉर्फो USB 64 बिट्स और RD सर्विस सभी ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद हम कंप्यूटर की सी ड्राइव में चले जाएंगे और मॉर्फो का दो फाइल पड़ा हुआ है, इस दोनों फाइल को सबसे पहले हम डिलीट मारेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो प्लस R प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और टेम्पररी फाइल जो भी होता है सभी को हम कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट के साथ डिलीट करेंगे। उसके बाद पुनः विंडो प्लस R परसेंटेज TMP करके हम इसको डिलीट करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है डिलीट होने में। याद रखें कि यह सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप में काम करेगा, यह मॉर्फो RD सर्विस मोबाइल में वर्क इस टाइप से नहीं करता है। काफी सारे भाइयों को परेशानी हो रही थी जो हमसे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम पुनः विंडो प्लस R करके PREFETCH इसमें जो फाइल पड़ा हुआ है इसको हम कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट के साथ डिलीट करेंगे। चलिए कोई नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में मॉर्फो RD सर्विस का हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करेंगे और इस फाइल को आप हमारे डाउनलोड डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट यस टू ऑल कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम USB का ड्राइवर मॉर्फो को लगाएंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि हमारा सिस्टम कितनी बिट से चल रहा है, कितनी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में है। उसके लिए मैं कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम 64 बिट का है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से 64 बिट
स्ट्रक्चर को चलाना है, मुझसे दोनों में से आप कोई भी चलाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी को रन करवाएंगे आगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इसलिए कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मोर्फो इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको नहीं चला रहे हैं। फिर उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने पर पुनः आप मोर्फो आरडी सर्विस को ओपन करेंगे और इसको डबल क्लिक करके या रन एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इसको चलाएंगे। चलाने के बाद आपके सिस्टम में एक मैसेज आएगा, मोर्फो आरडी सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल, तो आपका मोर्फो काम करने लगेगा। फिर भी अगर काम नहीं करता है तो आप गूगल क्रोमो को ओपन करेंगे और आप यहां से इसके सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहां टाइप करेंगे फ्लेक्स, सेटिंग को हटा के FLAGS फ्लेक्स। फिर हम यहां टाइप करेंगे ALOW इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर, इसको हम क्या करेंगे, ये डिसेबल होगा पहले आपके सिस्टम में, आपको इसको इनेबल कर लेना होता है। फिर ये नीचे क्या होता है, आपको एक ऑप्शन दे देगा रिलंच, नीचे आता है, हमारे में नहीं आ रहा है रिलंच, जैसे पे हम रिलंच पे ओके करेंगे नीचे आ जाता है, तो आपका गूगल क्रोमो रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका मोर्फो वर्क करने लगेगा। अगर फिर भी नहीं किया तो आपके सिस्टम में नेट प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं करता है तो हम यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि ये मोर्फो इंस्टॉलेशन है और मोर्फो आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे सर्च करेंगे SCR VICES सर्विस, सर्विस पे जाएंगे और हम इस सर्विस में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे मोर्फो आरडी सर्विस, हम इसको यहाँ से स्टार्ट स्टॉप और रीस्टार्ट, तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, आप रीस्टार्ट कर दें, मेरे में स्टार्ट दिख रहा है, चलिए कोई बात हम स्टार्ट कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता। थोड़ा सा समय लगता है, देखिए तीन ऑप्शन आ गया, अब आपका मोर्फो 100% वर्क करेगा। फिर अगर आप एक से दो बार ट्राई करते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो वो सिस्टम के में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे जहाँ तक होगा हम संपर्क करेंगे आप लोग से, प्रयास करेंगे। वीडियो हमने पहली बार बनाया है इसलिए त्रुटि तो होगी, इसलिए आप लोग माफ़ी करेंगे, क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद।